आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और अपनी पार्टी की हार को लेकर सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि चुनाव में हुई धांधली पर बहस ही ना हो, इसलिए फिल्म कश्मीर फाइल्स लाई गई है। अखिलेश ने कई सीटों का ब्यौरा देते हुए बताया कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। सोमवार को अचानक अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश ने विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा यादव के आवास पर मीडिया से बातचीत की। अखिलेश ने यह भी कहा कि कश्मीर फाइल से होने वाली कमाई से कश्मीरी विस्थापितों के लिए काम होना चाहिए। इसके लिए 25 लोगों की कमेटी बनाई जाए। कमेटी तय करे कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वह कैसे खर्च हो। सरकार को भी आगे आना चाहिए, पूरा पैसा प्रधानमंत्री फंड में न चला जाए। अलग अलग जगह रह रहे लोगों से बातचीत कर उनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि एमएलसी चुनाव पर भी हमें प्रशासन से लड़ना होगा। अखिलेश ने कहा कि मुरादाबाद में 1,47,000 वोट पाने वाले की काउंटिंग 2.5 घंटे रोक दी गई। बाद में पता चला कि 700 वोटों से हरा दिया गया। ओबीसी पर सवाल पूछने पर अखिलेश ने कहा कि जो भी लड़ेगा कुछ न कुछ वोट पाएगा, लेकिन सवाल तो यह है कि बसपा क्या कर रही थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि लोकतंत्र और संविधान से हमारा देश चले। बसपा ने तो अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया, इसलिए समाजवादियों को और अम्बेडकरवादियों को साथ लेकर चलना होगा। अम्बेडकरवादियों को साथ जोड़कर एक नई लड़ाई लड़नी होगी। अखिलेश यादव के अचानक आजमगढ़ पहुंचने के पीछे यहां से सांसदी छोड़ने की मंशा पर रायशुमारी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि विधायकों और पदाधिकारी से बातचीत कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि सांसदी छोड़ने का यहाँ की राजनीति पर क्या असर हो सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भले ही बहुमत की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन वोट प्रतिशत में मिली शानदार बढ़त से उत्साहित है। ऐसे में सांसद या विधायक में से एक सीट छोड़ने को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दुविधा में फंस गए हैं। आजमगढ़ से आने से पहले होली के मौके पर वह मैनपुरी भी गए थे, वहाँ भी इस बारे में चर्चा हुई थी। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सबसे शानदार सफलता पूर्वांचल में ही अर्जित की है। आजमगढ़ के साथ इससे सटे अम्बेडकर नगर और गाजीपुर में तो समाजवादी पार्टी ने सभी सीटें जीत ली है। इसके अलावा आजमगढ़ से सटी मऊ बलिया जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भाजपा से बेहतर रहा है। वाले समय में समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और नीचे ले जाएगा। बहुमत से क्यों दूर रही? देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग समीक्षा है, लेकिन समीक्षा ना हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर बहस ना हो, इसलिए वो कश्मीर फाइल्स लेके आ गए। कश्मीर फाइल्स इसलिए लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जो हुआ है उस पर बहस ना हो, समीक्षा ना हो, क्योंकि जनभावना कुछ और थी, जनता कुछ और सोच रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और आया। अब तो हम ये कह सकते हैं जो कश्मीर फाइल्स में पैसा इकट्ठा हुआ है, जो इतने बड़े पैमाने पे फिल्म देखी जा रही है, कम से कम उसके मुनाफे से जो कश्मीरी लोग जिनको विस्थापित करने के लिए खर्च होना चाहिए, और कम से कम बीजेपी को ये काम तो करना चाहिए। बीजेपी जब इतना प्रचार कर रही है, इतना आगे बढ़ा रही है कश्मीरी फाइल्स को लेकर के, तो उससे कमाए हुए पैसे से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होने का काम भी होना चाहिए, और कम से कम ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसमें पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स ना हो। कश्मीर फाइल्स के जो मुनाफा हुआ है उससे कम से कम उनके इस्तेमाल में तो आए। कश्मीरी पंडित जो अभी तक नहीं पहुंच पाए उनको कैसे वहां पर सेटल किया जाए, तो कम से कम उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ना हो, और जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हीं की कोई कमेटी बन करके उस पैसे से पूरा का पूरा उन्हीं के लिए सेटलमेंट के लिए इंतजाम होना चाहिए। ईवीएम पे बहस इसलिए नहीं करना चाहिए, ये समय नहीं है ईवीएम का, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया है, आप जगह जगह पूछिए, मैं कहूंगा तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव लड़ रही थी आज वो हार गई है इसलिए आरोप लगा रही है, लेकिन बहुत सारी जगह पर काउंटिंग रोक दी गई। मुझे अखबार में पढ़ने का मौका मिला, दैनिक जागरण अखबार में, और आपको भी पढ़ना चाहिए कि जिस अखबार में बनारस साउथ के बारे में लिखा कि 20 राउंड तक किशन दीक्षित जीत रहे थे, 22 राउंड के बाद उनकी जीत का फासला कम होने लगा और 25वें राउंड में 10,000 से हार गए। ये कौन यकीन मान लेगा इन बातों को? अगर कोई प्रत्याशी 20 राउंड तक जीत रहा हो, 22 में कम हो रही हो उसकी जीत का फासला, और 25 में 10,000 वोट से जीत गया हो,
ये तो अखबार लिख रहा है, वो भी दैनिक जागरण लिख रहा है। 3-3 घंटे काउंटिंग रोकी गई, और मैंने तो पहले ही कहा था कि काउंटिंग स्लो की जाएगी। कई लोग मामूली मामूली से वोटों से हार गए। वीडियो रिकॉर्डिंग आई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, बिजनौर की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी कि उन्हें प्रमुख सचिव से कहना पड़ा। ऐसे से कश्मीरी पंडितों को मिलकर के जो वहाँ के लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए, और कम से कम 25 ऐसे लोग हों जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित हों, उनकी कमेटी बने, और सेटलमेंट और उनके लिए कैसे खर्च किया जा सके उस पैसे का खर्च होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा लोगों को चंदा भी देना चाहिए इसके लिए। तो फिल्म को आप सही मानते हैं कि ये फिल्म मैं आज से उस बहस में नहीं बनाया, जो पैसा इकट्ठा हो गया है उससे कश्मीरी पंडित लोगों को, कश्मीरी लोगों को सेटल करने के लिए खर्च होना चाहिए, और सरकार को भी आगे आना चाहिए। अगर टैक्स के माध्यम से 100-200-300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है तो सरकार भी अपना पैसा लगाए कुछ, और कम से कम प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए वो पैसा, जिसका पता ही नहीं लगे फंड कहाँ चला गया। अच्छा, इसलिए वो फंड जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित लोग हैं, उनकी कमेटी बन जाए जो अलग अलग जगह रह रहे हैं, और वो खर्च करें अपनों पर कि वो कैसे सेटल होकर के खर्च करना चाहते हैं। कम से कम सरकार को ही कदम उठाना चाहिए। सर, अगर आपसे कोई कहे अंशदान के लिए, विस्थापन के लिए, तो आप करेंगे या देखेंगे? क्यों नहीं, स्वाभाविक है, अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल हम देंगे, उसमें क्या। और मैं तो एक अच्छा दे रहा हूँ, सरकार को ये मानना चाहिए इतना पैसा इकट्ठा हुआ है तो वो कम से कम उनके लिए खर्च तो। अच्छा अखिलेश भैया, एक और सवाल,